हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं। उसके अंदर जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला के, दो क्वेश्चन है वो आज यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हम ये पॉइंट है उसको नाम दे देते कि ए एंड बी जो पॉइंट है। तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 5-6 एंड बी का कोऑर्डिनेट -1-4। इसको वाई एक्सिस है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा पी, पॉइंट पी, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। तो यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होगा, जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम वन एक्स टू। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एम वन पार्ट लेते हैं, यहाँ पे एम टू पार्ट लेते हैं, और इसको एक्स वन एक्स टू कहते, एक्स वन वाई वन कहते हैं, एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू कहते हैं। तो क्या होगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। यहाँ पे आप सिंपली क्या होगा, जीरो और m1 वन प्लस एम है वो सामने की साइड आएगा, यहाँ पे आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, m1 वन प्लस एम टू इज इक्वल टू, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस m2 और x1 की वैल्यू है 5। ओके, m2 x1 की वैल्यू 5। यहाँ पे पूरा टर्म क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे माइनस m1 है, क्या होगा, माइनस m1 इज इक्वल टू प्लस 5 m2। माइनस m1 वो सामने की साइड है, तो माइनस m1 इज इक्वल टू 5 m2। यहाँ पे m1 अपॉन m2, क्या m2 को नीचे की साइड ले जाओगे तो क्या होगा, 5 अपॉन, यहाँ पे माइनस वन था वो सामने की साइड, प्लस वन हो जाएगा, 5 अपॉन 1। ओके, m1 और m2 की वैल्यू आपको मिल गई। जो m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, क्या कहा था, रेशियो फाइंड आउट करो, तो रेशियो यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, जो y कोऑर्डिनेट उसका फाइंड आउट करना है। x कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज जीरो होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, फॉर्मूला के अंदर पुट करो, एम वन की वैल्यू क्या मिली, 5, वाई टू की वैल्यू है -4, एम टू की वैल्यू है 1, वाई वन की वैल्यू है -6 अपॉन 5 प्लस 1। तो क्या होगा, 5 4 -20 प्लस -6 1 6 -6 अपॉन 6। तो क्या होगा, -26 अपॉन 6 यानी कि -13 अपॉन 3। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमें y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू मिल गई, y कोऑर्डिनेट तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, 0 -13 अपॉन 3। ओके, अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम के लिए आईएमपी है। और यदि आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है, क्या दिया है, एक्स एक्सिस का जो क्वेश्चन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट पी, पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी कहाँ पे है, ए में नहीं है, बी में नहीं, डी में है, कि ए बी सी डी है वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी जो वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी ए बी और, सॉरी, ए सी और बी डी की जो डायगोनल, यानी डायगोनल है वो क्या, एक पॉइंट पर, यानी कि उन दोनों का जो बाइसेक्ट करते, क्या है,
बाइसेक करते हैं, यानी कि जो ओ है वो क्या होगा उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यहाँ पे पहले एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ऐसे करोगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, बी डी का यानी कि एक्स टू प्लस एक्स फोर, बी डी यानी कि एक्स टू प्लस एक्स फोर अपॉन टू एंड वाई टू प्लस वाई फोर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स थ्री होगा, ए सी लिए अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू वाई थ्री अपॉन टू। तो यहाँ पे एक्स टू प्लस एक्स थ्री करोगे तो क्या होगा, एट प्लस पी, एट प्लस पी अपॉन टू वाई कोऑर्डिनेट टू प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स थ्री तो सिक्स प्लस नाइन अपॉन टू एंड टू प्लस सॉरी वन प्लस फोर, वाई वन की वैल्यू वन प्लस वाई थ्री की वैल्यू है फोर अपॉन टू। तो यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फाइव अपॉन टू, यहाँ पे एट प्लस पी, एट प्लस पी अपॉन टू और यहाँ पे क्या हो रहा है फिफ्टीन अपॉन टू। ठीक, दोनों को कंपेयर करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को, कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट, एट प्लस पी अपॉन टू इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन टू, टू टू कट हो जाएंगे तो एट है इस साइड प्लस है सामने की साइड को तो माइनस होगा, तो पी इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एट, तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, पी इज इक्वल टू सेवन। ओके, पी इज इक्वल टू सेवन जो हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो मैं पी की वैल्यू फाइंड, इस तरह के जो आपके बोर्ड के एग्जाम के जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सब जानने के लिए जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन नए नए जो बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हर रोज नए नए इनोवेटिव आइडिया वाले जो मैथ्स के वैदिक मैथ्स के भी वीडियो अपलोड करते हैं, बाद में जो हमारे टेंथ स्टैंडर्ड इलेवंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और टेंथ ट्वेल्थ की जो बोर्ड के एग्जाम के जो फास्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी हम अपलोड करते हैं, वो भी देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियो अवेलेबल हो गए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।